आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। बहुत कम समय बचा है नवरात्र के आने में। नवरात्र 15 अक्टूबर से आरंभ होकर 24 अक्टूबर तक नवरात्र रहेगी। इस दौरान सिवनी की दादू धर्मशाला में हम आपको दिखा रहे हैं मूर्तिकारों के द्वारा प्रतिमाओं को, माता की प्रतिमाओं को आकार दिया जा रहा है। अंतिम रूप में पहुंच गई हैं ये प्रतिमाएं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। दरअसल 10 दिन तक 9 देवियों के शक्ति के रूप में आराधना होती है। सनातन धर्म में भगवती माता दुर्गा हैं, जिन्हें आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा भी कहा जाता है। भगवती के 9 मुख्य रूप हैं, जिनकी विशेष पूजा व साधना नवरात्रि के दौरान और वैसे भी विशेष रूप से की जाती है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रि महागौरी, अष्टमम नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तितः, उक्तन्येतानि नमामि ब्रह्मणे महात्मना। 9 देवी के 9 स्वरूप हैं। पहला है शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कूष्मांडा, पांचवे रूप में स्कंद माता के रूप में पूजी जाती हैं। कात्यायनी माता छठवें रूप में हैं, कालरात्रि माता सातवें रूप में और महागौरी माता आठवें रूप में, सिद्धिदात्री माता नौवें रूप में पूजी जाती हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। सिवनी में नवदुर्गा का पर्व परंपरागत उत्साह है, उल्लास उमंग के साथ मनाया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी माता की प्रतिमाओं की तैयारियां लगातार यहां जारी दिखाई दे रही होंगी। माता की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है कलाकारों के द्वारा। बहुत ही सुंदर मनमोहक प्रतिमाएं बनाई जा रही, मिट्टी की प्रतिमाएं यहां बन रही हैं। प्रशासन लाख दावे कर रही, लाख अपील कर ले, जिसमें प्रशासन लगातार एक बात कहता है कि जो प्रतिमाएं हैं उन प्रतिमाओं को प्लास्टर ऑफ पेरिस का नहीं बनाना चाहिए, पर इस सब के बाद भी प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रतिमाएं बाजार में बिकती हैं और दिखाई देती हैं। देखिए यहाँ पर कलाकार कितनी शिद्दत के साथ यहाँ माता के वाहन को बना रहे हैं। माता यहाँ विराजी हैं वाहन के ऊपर। बहुत ही अनूठा नज़ारा नज़र आता है जब माता की प्रतिमाएँ यहाँ पर बनाई जाती हैं। माता की प्रतिमाओं को बनाने के लिए कलाकारों के द्वारा बहुत ही तन्मयता के साथ, श्रद्धा भाव के साथ उनके द्वारा प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा माता का वाहन और माता की प्रतिमाएं, आधी बनी प्रतिमाएं हैं और अंतिम रूप दिया जा रहा है। आधी बनी तो नहीं कहा जाना चाहिए, माता की प्रतिमाएँ लगभग तैयार हो चुकी हैं, अब इन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा। मट्टी की प्रतिमाएँ हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस की नहीं। प्रशासन को चाहिए कि इस बारे में कड़ाई से देखा जाए, कड़ाई बरती जाए कि सिवनी में प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रतिमाएं बाहर से लाकर ना ही बेची जाएं, ना ही उन प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रतिमाओं को सिवनी में प्रवेश मिल सके। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। हमने इसके पहले आपको बुद्धि विनायक विघ्नहर्ता भगवान गणेश की प्रतिमाएँ, लंबोदर महाराज की प्रतिमाएं जब बन रही थी तब हमने आपको दिखाया था। अब हम आपको दिखा रहे हैं जगत जननी माता दुर्गा की प्रतिमाएं यहां पर तैयार हो रही हैं। ये दादू धर्मशाला का हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। कलाकारों का कहना है कि चूंकि बाहर से जो प्रतिमाएं आती हैं उन प्रतिमाओं के कारण इन कलाकारों की कला को पर्याप्त तवज्जो नहीं मिल पाती है। अर्थात ये कलाकार जिस तरह से तैयार करते हैं प्रतिमाओं को, उस प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रतिमाएं सस्ती होती हैं जिसके कारण लोग उन्हें ले लेते हैं। देखिए दिनेश पेंटर यहाँ प्रतिमाओं को अंतिम रूप देते हुए नज़र आ रहे हैं। दिनेश पेंटर के हाथ में ऐसा माना जाता है कि जादू है,
वास्तव में उनके द्वारा बनाई गई प्रतिमाएं बहुत ही अद्भुत होती हैं, सजीव प्रतिमाएं ही प्रतीत होती हैं। देखिए वे किस तरह से माता की प्रतिमाओं को तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर माता की प्रतिमाएं तैयार हो रही हैं, जगत जननी माता दुर्गा की प्रतिमाएं 9 दिन तक शक्ति के रूप में माता को पूजा जाएगा, देवालयों में भीड़ रहेगी, श्रद्धालु पहुंचेंगे, प्रशासन को उस सब की व्यवस्था भी करनी चाहिए। इसी के साथ ही गरबा भी होगा, गरबे पर नज़र रखने के लिए बहुत से लोग, बहुत तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, प्रशासन को उस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। इस सब के अतिरिक्त गरबे को लाभ का धंधा ना बनाया जाए। अनेक स्थानों पर टिकट लेकर गरबा कराने की प्रथा चल पड़ी है, और इसके साथ ही जो प्रतिभागी होते हैं प्रतिभागियों से भी राशि ली जाती है और दर्शकों से भी राशि ली जाती है। इस तरह कभी इनका सोशल ऑडिट भी नहीं हुआ, कभी किसी के द्वारा ऑडिट करने की कोशिश की भी नहीं गई है। एक बात का और विशेष ध्यान रखना चाहिए प्रशासन को, जो समय सीमा कोलाहल अधिनियम के तहत तय की गई है, उस कोलाहल अधिनियम के समय सीमा के तहत ही ये सारे जितने भी गरबा हैं वो बंद हो जाएं। वैसे भी चुनाव की संभवतः आचार संहिता लगने के बाद ही नवदुर्गा का नवरात्र का त्यौहार शायद आ सकता है, इसलिए प्रशासन कुछ सक्रियता दिखा सकता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। तरह तरह की सुंदर प्रतिमाएं, मनमोहक प्रतिमाएं माता की तैयार हो रही हैं, कुछ दिनों में ही पंडाल सजने लगेंगे, और पंडाल समितियों से ये आग्रह है कि वे आने जाने का रास्ता छोड़ें, आने जाने वालों को व्यवधान ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको ये खबरें पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।